हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला के पाठ 12 के तिलक की लोकप्रियता के प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर समझाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। मेरा वीडियो आप अंत तक देखें, जिससे प्रश्नों के उत्तर आपके अच्छी तरह से समझ में आ सकें। अब सबसे पहले बताइए कि प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लंदन में तिलक ने कौन सा कार्यालय खोला था? उत्तर, लंदन में तिलक ने होम रूल लीग का कार्यालय खोला था। प्रश्न नंबर 2, सारा देश किस मुकदमे के फैसले से हिल गया था? उत्तर, सारा देश वैलेंटाइन शिरोल के मुकदमे के फैसले से हिल गया था। प्रश्न नंबर 3, तिलक कोष में दान देना क्या बन गया था? उत्तर, तिलक कोष में दान देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया था। अब बच्चों लिखिए कुछ शब्दों में प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, जलियांवाला बाग में कितने राउंड गोलियां चली थी? उत्तर, जलियांवाला बाग में कुल 1650 राउंड गोलियां चली थी। प्रश्न नंबर 2, तिलक किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? उत्तर, तिलक सन 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड क्यों गए थे? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक मुकदमे की पैरवी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। अब प्रश्न नंबर 4, मुंबई की सभा में क्या घोषणा हुई? उत्तर, मुंबई की सभा में तिलक कोष खोलने की घोषणा हुई। अब पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, तिलक के दिल में किस बात की तड़प थी? उत्तर, तिलक के दिल में आज़ादी की तड़प थी। प्रश्न नंबर 2, तिलक ने इंग्लैंड में क्या क्या देखा? उत्तर, तिलक ने इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और हाउस ऑफ कॉमन्स देखे। बच्चों जो ये कॉमन्स है इसमें आधा ना है। प्रश्न नंबर 3, उनकी वेशभूषा में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, उन्होंने इंग्लैंड में सर्दी से बचने के लिए धोती कुर्ते की जगह लंबा गर्म कोट, पैंट, ऊनी मोजे और बूट पहनने शुरू कर दिए थे। यही परिवर्तन उनकी वेशभूषा में आया, उनकी तिलक की वेशभूषा में। अब अधिकतम शब्दों में प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कोलंबो में तिलक द्वारा दिए गए भाषण का विषय क्या था? उत्तर, कोलंबो में तिलक ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म पर भाषण दिया। प्रश्न नंबर 2, रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया? उत्तर, देश में जन आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया गया। प्रश्न नंबर 3, इंग्लैंड जाने से पहले तिलक ने क्या कहा था? उत्तर, इंग्लैंड जाने से पहले तिलक ने कहा, आज इंग्लैंड के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हमें स्वराज्य दें या भारत से पूर्णतया हाथ धो बैठें, पूर्णतया का पूर्ण रूप से। प्रश्न नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड
डायर के नेतृत्व में हुआ था। वहां पर अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे बूढ़े व्यक्तियों, निहत्थे जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं थे, निहत्थे बूढ़े व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हत्याकांड में 369 आदमी मरे और 1200 से अधिक घायल हुए थे। प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर तिलक की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय समाज सुधारक और पूरे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले नेताओं में से एक थे। आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकारों में भी वे एक थे। वे भारत के लिए स्वराज्य स्वनियम के सबसे मजबूत समर्थक थे। उनका यह नारा था, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।